शौक से बनाइए, मॉम डैड को भी खिलाइए। बटर पनीर मसाला में लगेगा लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, काजू, बादाम, पिस्ता, पॉपी सीड्स, होटल जैसा बनाने के लिए कसूरी मेथी, ओरिगेनो फ्लेक्स, हरी इलायची, शाही जीरा, जावित्री, ऑफ कोर्स बटर, सॉल्ट, मीट मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रीम या मिल्क, हल्का सा शुगर, शहद। चलिए ये सब के साथ शुरू करते हैं बनाना। सारी चीज़ों को एक साथ रखने के बाद पैन में एक टेबल स्पून बटर डालें, सरसों का तेल डाल के गर्म करेंगे, जीरा, इलायची, जावित्री, प्याज, ड्राई फ्रूट्स, टमाटर सब मिक्स करके सॉटे करेंगे। लहसुन मिर्च भी इसी में ही ऐड कर देना है। साथ ही इसमें डालेंगे हल्की सी शक्कर, नमक और हल्की आंच में इसे ढक के पकने देना है। आराम से इसको पकने देना है जब तक हम साथ ही कसूरी मेथी और ओरिगेनो फ्लेक्स का पाउडर बनाने के लिए तवा गरम करेंगे। उसमें ये दोनों चीज़ें डाल के हल्का सा भूनेंगे जब तक सारी चीज़ें ड्राई नहीं हो जाती हैं। एक तरफ हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है और दूसरी तरफ हमारा पाउडर भुन रहा है तवे में। दोनों ही काम एक साथ होते रहेंगे। भुनने के बाद उसको एक कटोरी में निकाल लें। निकालने के बाद अपने हाथों से ही उसका पाउडर बना लें। यहाँ पाउडर तैयार हो गया, वहाँ ग्रेवी आधी पक गई। पूरी तरह से हमें इसे नहीं पकाना है, इसको मिक्सर जार में निकाल लेंगे। ठंडा करने के बाद हल्का सा पानी डाल के इसको पेस्ट बनाएंगे, टोमेटो ग्रेवी पेस्ट, शानदार कलर। अब पैन वापस से चढ़ाएंगे, इसमें फिर हम बटर डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे, हल्की शक्कर डालेंगे और बनाई हुई ग्रेवी उसमें पूरी डाल देंगे। देख रहे हैं, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, मीट मसाला, गरम मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। क्या शानदार रंग दिख रहा है ग्रेवी का, इसे ढक के पकने दें। वाइट पेपर मिला के इसको 2-3 मिनट ढक के पकाएं। बीच बीच में ढक्कन उठा के चलाते रहें जब तक कि तेल और ग्रेवी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दूध या क्रीम ऐड करने के बाद इसे फिर हल्का चलाएं और ढक के पकने दें। जब तक ग्रेवी और पकेगी हम पनीर काट लेते हैं मेरा फेवरेट शेफ्स नाइफ। इंग्रेडिएंट कैसे कटे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेसिपी का स्वाद। लाजवाब तेल छोड़ दिया है ग्रेवी ने। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और मिक्स करेंगे ग्रेवी में अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे पनीर के टुकड़ों को जो हमने काटे थे, मिक्स करेंगे अच्छे से और ढक के पकने देंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद शानदार बटर पनीर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल आपके सामने रेडी है। रोटी, नान या जीरा राइस के साथ खाएं, फैमिली के साथ खाएं और मज़े करें। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।